जी कुछ और लोग हैं क्या आने वाले हैं कुछ? शुरू कर दिया जाए वहाँ पर लाइव पर। क्या सुझाव है सब लोगों का, शुरू करें या अभी वेट करें? सुझाव लेके करना होता है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आप लोगों से पहले भी दो बार हम लोग रूबरू हुए हैं। अब अभी समापन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और उससे पहले जो चुनावी राज्य हैं उनके साथ भी है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में मंत्री भूपेंद्र यादव जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र यादव जी, आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस सत्र में सबसे पहले पांच राज्यों के मुख्यमंत्री, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो पांच साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में जो अपना स्थान का पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, पार्टी की ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है
उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए उसको स्वीकार किया है और ये पार्टी ने अपने से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। ये अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों और संगठनात्मक कार्यों को रखा है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है। इसमें तीन पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो आम कार्यकर्ता जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, जीवन परिचय वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया उन सब को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए मूल्यों के साथ बढ़ते हुए नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले मुझे सभी पांचों, मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई, चार राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है भारतीय जनता पार्टी नेता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू, आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी तो मैंने कहा पांचों राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं वो उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार। महुआ जी, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया, अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है।
ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी, जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी, अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई, और ऐसे जब महामारी के दौर में सब साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है, वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए, और पांचों राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया है। विनीत, पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है, और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब दीजिए। पूछे आप कुछ पूछ रहे बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए जी, थोड़ा तेज। बाय इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्तव्य। आप पूछ जी। मैं जवाब दे चुका हूं। शैलेंद्र जी पूछो, अब दोबारा पूछो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने पूरा लिटरेचर प्रकाशित किया है, और उस लिटरेचर में दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित पत्र हैं, मतलब भारत के ही नहीं, यूके के ही नहीं, यूएस के ही नहीं, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ये सारे विषय बहुत सकारात्मकता के साथ प्रकाशित हुए हैं, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लिटरेचर तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी पार्टी, पार्टी की कार्यपद्धति, विस्तार, आगे बढ़ने का लक्ष्य, संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना पड़े जो जाने का विषय है, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाने का विषय है। धन्यवाद सब। 50